सो वी आर स्टार्टिंग विद द एंटीबायोटिक्स. तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एंटी प्लस बायोटिक्स. एंटी यानी अपोजिट, जो कि हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट. किसके अगेंस्ट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो एंटीबायोटिक्स में हम मेनली इसको बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसको बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं तो फिर हम इसको एंटी बैक्टीरियल क्यों नहीं बोलते? तो इधर थोड़ा सा डिफरेंस है एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल में. एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हम मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारे लिए. ठीक है, बायो से याद रखना लाइफ, तो हमारे लिए यूज़ होती हैं, डेट इज़ फॉर मेडिसिनल पर्पस. ठीक है, कोई भी दवाई बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियल स्टैटिक एक्शन के लिए. एंटीबैक्टीरियल जो हम अपने डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, लाइजोल वगैरह, वो सब जो होते हैं वो भी एंटीबैक्टीरियल में आते हैं. तो एंटीबायोटिक्स दो तरह के एक्शन शो करेंगी, एक हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक, एक हमारा बैक्टीरियोसाइडल. अब जो हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल में फ़र्क क्या है? तो साइडल मतलब ख़त्म कर देना जड़ से, डैट इज किल. ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्टैट, रोक देना, तो स्टॉप कर देना, टू स्टॉप और इनहिबिट द ग्रोथ. किसकी ग्रोथ? बैक्टीरिया की. ठीक है, तो यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक्स में छोटा सा डिफरेंस है. डैट इज एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. ये दो तरह का एक्शन शो करती हैं, बैक्टीरिया साइडल एंड बैक्टीरियो स्टैटिक. ठीक है, वो हम आगे देखते हैं अब एंटीबायोटिक्स की टाइप्स. तो अब इस चैप्टर को हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी उसके मैकेनिज्म एक्शन के बेसिस पे, ताकि हमारे लिए मैकेनो एक्शन पढ़ना इजी हो जाए. ठीक है, तो मैकेनो एक्शन क्या है? सबसे पहले जो सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, डेट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के पास क्या है? बीटा लैक्टम रिंग है. ठीक है, तो उसे याद रखना, ये सबसे पहले कौन से हैं जो सेल वॉल को इनहिबिट करेंगे, सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देंगे. दूसरे वाले हैं हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स. अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ ही आते हैं टेट्रासाइक्लिन्स, है अलग है, अमीनोग्लाइकोसाइड से टेट्रासाइक्लिन्स अलग है, लेकिन इसका मैकेनिज्म एक्शन सेम है. डेट इज क्या है? ये हमारे 50S सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं, सॉरी 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं ऑफ राइबोसोम्स. और जो हमारी थर्ड क्लास है जो हम आगे पढ़ेंगे, डेट इज मैक्रोलाइड्स. मैक्रोलाइड्स के साथ एक और है हमारा क्लोरमफेनिकोल. बिल्कुल जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ टेट्रासाइक्लिन है, वैसे ये मैक्रोलाइड्स के साथ क्लोरमफेनिकोल है. ये दोनों भी सेम मैकेनिज्म एक्शन शो करते हैं, डेट इज ये हमारे 50S सब यूनिट के साथ बाइंड कर देते हैं. अब बाइंड कर जाएंगे राइबोसोम्स के साथ, तो ये हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. तो ये दोनों क्या करते हैं? हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. प्रोटीन नहीं बनेंगे तो बैक्टीरिया काम कैसे करेगा? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम साथ साथ में देखते जाएंगे. अभी के लिए क्या याद रखना है? एंटीबायोटिक्स जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो ये दो हैं. ठीक है, और थर्ड पार्ट जो इसका माइक्रोलाइड्स और क्लोरमफेनिकोल है, वो हम इसका थर्ड पार्ट सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं. अभी एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे. सबसे पहले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, देन अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स एंड क्लोरमफेनिकोल. ये सब एंटीबायोटिक्स है जो हम पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया. ठीक है, बस इतना याद रखना, ये वाले सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. कौन? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जितनी भी होंगी सब, देन अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, और मैक्रोलाइड्स एंड क्लोरमफेनिकोल 50S सब यूनिट के साथ बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. इतना पता ही है. जो हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, डेट इज ट्रांसलेशन, उसमें हमारा tRNA, rRNA, mRNA सब इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो ये rRNA के साथ बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है. प्रोटीन नहीं बनेगा तो आगे इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सब पेप्टाइड चेन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल एक्शन ये शो करते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं इसका थोड़ा सा, डैट ये इनमें से बैक्टीरियोसाइडल कौन सा और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सा है. तो हमने यहाँ से देखा ये तीन तरह के हैं. तीन
तीन में अब इसको पांच तरह का बना देते हैं। अब जो टेट्रासाइक्लिन है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स एंड क्लोरमफेनिकोल, ये तीनों जो हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करते हैं, जबकि ये पहले दो बैक्टीरियोसाइडल शो करते हैं। बैक्टीरियोसाइडल यानी ये बैक्टीरिया को सीधा किल कर देते हैं, ठीक है। इनका जो हमारा मैकेनिज्म एक्शन है वो ज़्यादा है, मतलब ये सीधा ही उसको मार देंगे, ये वाला उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, डेट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक। यानी बैक्टीरिया मरने नहीं वाला, उसकी ग्रोथ इनहिबिट होने वाली है या स्टॉप होने वाली। ठीक है, तो होगा बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोस्टैटल। एक और पॉइंट जो हमें आगे काम आने वाला है वो ये है, जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है और क्लोरमफेनिकोल है, ये दोनों हमारे जो हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी शो करते हैं। यानी टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे काम करते हैं, जबकि मैक्रोलाइट्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ये स्पेसिफिक होते हैं, या तो ये ग्राम पॉजिटिव को इनहिबिट करेंगे या फिर ग्राम नेगेटिव को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए याद रखना ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जब ये बताएगा उसका मैकेनिज्म एक्शन और उसमें बताएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव को इनहिबिट कर रहे हैं, ग्राम नेगेटिव को इनहिबिट कर रहे हैं, तो तब इंसान के मन में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो मैं पहले ये पॉइंट बता रहा हूँ, अगर कुछ भी आएगा इनमें से, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स आया, तो सबसे पहले उसका मैकेनिज्म एक्शन क्लियर है कि वो हमारा 30 सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, दूसरा वो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, और तीसरा ये हमारा नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन शो करता है? टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है, कौन? टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल। तो ये मैंने थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया है कि इसमें जो टेट्रासाइक्लिन है और क्लोरमफेनिकोल है, स्टार करके ग्रीन पेन से लिखा ताकि याद रहे, बीच में कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे खिचड़ी ना दिखे। तो टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल ही हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी शो करते हैं, यानी ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे एक्टिव होते हैं, जबकि ये जो तीन बज गए ये जो होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम शो करते हैं, ये या तो ग्राम पॉजिटिव एक्टिव होंगे या फिर नेगेटिव पे, ठीक है। और याद रखना जो लास्ट वाले तीन है, डेट इज टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइट्स और क्लोरमफेनिकोल, ये हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, जबकि बीटा लैक्टम और अमीनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इसी क्लास पढ़ेंगे। सो विल स्टार्ट विद द यूनिट वन, डेट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, मतलब अभी तक हम इंट्रो पढ़ रहे थे। पहले इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ताकि हमें पढ़ना क्या है इस वीडियो में। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले आएंगे हमारे पेनिसिलिन, सेकंड सिफेलोस्पोरिंस, थर्ड इज बीटा लैक्टमेस, नाम से क्लियर हो रहा है, लैक्टम एज यानी एंजाइम। तो जो बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं बीटा लैक्टमेज। तो अब ये बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है जो बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ता है, तो हमें उसी को इनहिबिट करना है। अगर हम उसको इनहिबिट करेंगे तो हमारी एंटीबायोटिक बन जाएगी, क्योंकि ये इसके एक्शन को एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, ठीक है, ये जो है ना बीटा लैक्टमेज एंजाइम, हमने इसको इनहिबिट करना है ताकि हमारी एंटीबायोटिक्स को कोई नुकसान ना हो, बस इतना याद रखो। देन फोर्थ वाला है हमारा मोनोबैक्टम्स, एंड लास्ट वाला है कार्बोपिनम्स। ठीक है, अब ये सिर्फ ऐसे याद रखना है क्लासिफिकेशन पेपर में लिखने के लिए, बाकी कुछ स्ट्रक्चर इसके कुछ ही हैं, सब नहीं याद करने हैं। कार्बोपिनम्स में क्या रखना है, इमीपिनम एंड मीरोपिनम। क्योंकि इसका नाम हम वापस नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मेन हम जो फोकस करेंगे वो हम करेंगे पेनिसिलिन पे, ठीक है, और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स पे देखेंगे
क्योंकि हमने इसका मैकेनिकल एक्शन पढ़ लिया है, तो वह मेन फोकस कहाँ करेंगे, SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कैसे वो एक्टिविटी शो करता है, और मैकेनिकल एक्शन थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। ये होगी इसकी क्लासिफिकेशन, इसके कितने पाँच टाइप्स हैं। ये पाँच वाले का मैंने नाम लिख दिया, कार्बेपिनाम्स का, इमिपिनाम एंड मीरोपिनाम, क्योंकि ये अब हमें नाम वापस देखने को नहीं मिलेगा, बस क्लासिफिकेशन में ही लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दो तरह की, एक नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो सबसे पहले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में मतलब बीटा लैक्टम रिंग होगी। बीटा लैक्टम रिंग होती क्या है, वी हैव फोर मेंबर्ड रिंग होगी, जिसमें एक पोजिशन पर नाइट्रोजन होगा, ठीक है, तीन कार्बन होंगे, बस इस कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ होगा, ठीक है, ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है। अब जो पेनिसिलिन है, इसमें इसके साथ एक फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, दैट इज यहाँ पे नाइट्रोजन इस तरफ है, तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे सल्फर, ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग, प्लस सल्फर थाया नाइट्रोजन अजा फाइव मेंबर, तो अजोल, तो थायाजोलिडीन रिंग, और ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। तो ये हमारा मेन बेसिक स्ट्रक्चर है, यहीं से हमारा SAR ख़त्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में ही। तो ये हमारी है बीटा लैक्टम रिंग, ये है हमारी थायाजोलिडीन रिंग, थाया यानी सल्फर, अज यानी नाइट्रोजन, ओल यानी फाइव मेंबर रिंग, और ओलिडीन, डीन इसलिए लगाया क्योंकि उसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, इस नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, वो हर एक स्ट्रक्चर में होगा, जितने भी हमारे पेनिसिलिन है, नेचुरल है, सिंथेटिक है, एमोक्सिलिन, एमिसिलिन, जितने भी नाम है, जितने भी हमारे सिलेबस में, सिलेबस वाले ही करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा COOH ग्रुप लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे दो CH3 ग्रुप लगे होते हैं, ये सब में ही लगे होंगे। अब एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो एक नाइट्रोजन में और यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। यहाँ पर मैंने लगाया नाइट्रोजन जो जुड़ा होगा कार्बोनिल ग्रुप से, देन यहाँ पे R। अब ये R डिसाइड करेगा कि हमारी एंटीबायोटिक्स नेचुरल है, सिंथेटिक है, या फिर सिंथेटिक में कौन सा टाइप है, ठीक है। तो अब SAR में लिखना क्या है, SAR में लिखना यही है, ये सल्फर ग्रुप एसेंशियल है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एसेंशियल है, ये COOH ग्रुप एसेंशियल है, एन ग्रुप एसेंशियल है, ये डबल बॉन्ड ओ एसेंशियल है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी इसमें एरोमेटिसिटी नहीं आनी चाहिए, ये NH ग्रुप एसेंशियल है, ये कार्बोनिल ग्रुप एसेंशियल है, ये R डिफरेंट होगा, क्या होगा वो मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर एक और चीज़ आएगा, अगर इस S की जगह, इस सल्फर की जगह मैं कुछ समय सल्फ ऑक्साइड आयन डालता हूँ, सल्फ ऑक्साइड या फिर सल्फोन डालता हूँ, तो एक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये साइन याद रखना, एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। वैसे ही इन CH3 की जगह मैं कुछ छोड़ डालूंगा, तो एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। इस COOH की जगह अगर मैं कोई अल्कोहलिक या एस्टर ग्रुप डालता हूँ, OH या फिर एस्टर ग्रुप डालता हूँ, तो भी एक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये बाकी सब याद रहेगा, ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, बस यहाँ पे इसने एक चीज़ और लिखी है कि ये सल्फोक्साइड या सल्फोन में डालता हूँ, तो उसकी वजह से एक्टिविटी तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन हमारी एसिड जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब एसिड में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर मैं सल्फ ऑक्साइड या सल्फोन डालता हूँ, ठीक है, इस सल्फर की जगह, तो वो याद रखना, ठीक है, बाकी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। अब इस R की जगह मैं क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, या तो इस R की जगह मैं यूज़ करूँ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, जैसे कोई भी CL है, NO2 है, ठीक है, कोई भी यूज़ करूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करता क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है यहाँ से,
तो ये OH ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इसके ऊपर। तो इसको हम ओरली यूज़ कर सकते हैं, ऐसे याद रखना, इसको हम ओरली यूज़ कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं। दूसरा जो हम सच में पढ़ने वाले एग्जांपल, वो ये है कि यहाँ पे हम बल्की ग्रुप यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पेंसिलिन हैं सिंथेटिक या नेचुरल, उसमें हम एक बल्की ग्रुप यहाँ पे जोड़ देते हैं। बल्की ग्रुप से क्या होता है, ये जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम हमने पढ़ा था, जो बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ता है, तो बल्की ग्रुप की वजह से वो रेसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीटा लैक्टम को यहीं पे अटैक करना है, तो यहाँ पे वो अटैक कर नहीं पाएगा, तो रेसिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज एंजाइम, ठीक है। ठीक है, तो इसका ये सब याद रखना है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पेंसिलिन हमने पढ़ा, ये इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, सिंपल छोटा सा स्ट्रक्चर है। ये एक हमारी बीटा लैक्टम रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग के साथ थायाजोलिडिन रिंग होनी चाहिए, जिसके ऊपर सल्फर नाइट्रोजन ये बाकी सब ग्रुप एसेंशियल है, ठीक है। बस यहाँ पे सल्फर में याद रखना है, ये सल्फोक्साइड या सल्फोन लगा दे तो एसिड स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल सेम बात यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से भी एसिड स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। किसकी वजह से, जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, जो मेन जो हम लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन बल्की ग्रुप से लगाते हैं, वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, तो इसकी वजह से ये बीटा लैक्टमेज को रेसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये हो गया इसका ऐसे आगे मैकेनिकल एक्शन देख लेते हैं। वो हमने पढ़ा ही था, ये सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, बस इतना ही याद रखना। तो सेल वॉल है, जैसे ये मैंने मान लिया इसकी सेल वॉल है, तो सेल वॉल इसकी बनी हुई है हमारी पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब पेप्टाइड बॉन्ड प्लस ग्लाइकन, एक शुगर। तो हमारा यहाँ पे है पेप्टाइड बॉन्ड यानी प्रोटीन है, प्रोटीन यानी अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, और ग्लाइकन मतलब शुगर। शुगर कौन सी है, मोनोसेकेराइड्स। अब ये हमारे जो है पेप्टिडोग्लाइकन्स से हमारी सेल वॉल बनी हुई है, ठीक है। तो अब जो ये मोनोसेकेराइड्स हैं, ये हमारे मतलब जो भी हमारा पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन मतलब ग्लाइकोन हुआ ना, तो ग्लाइकन हमारे पास दो तरह के हैं, नाम और नैग, ठीक है। एनएसिटाइल ग्लूकोसामिन, एनोसाइल मुरमरिन, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं। तो अब जो हमारा पेप्टिडोग्लाइकन है, ये दोनों जो मिलकर बनते हैं, जैसे सेल वॉल बनती है, इनके बीच में होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, PBP। याद रखना क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि इनको जोड़ता है। मोर स्पेसिफिकली बोले तो यहाँ पे हमारे दो एंजाइम्स होते हैं, खत्म होता है हमारा ट्रांसपेप्टिडेज या फिर उसको हम कार्बोक्सी पेप्टिडेज बोल सकते हैं। तो अब जो हमारे ये नाम नैग पेप्टिडेज बॉन्ड से पेप्टिडोग्लाइकन बना, अब पेप्टिडोग्लाइकन एक पेप्टिडोग्लाइकन दूसरे पेप्टिडोग्लाइकन से कनेक्ट होता है। जैसे मैंने क्या मान लिया, ये हमारी नैम नैग वगैरह है, ये दूसरी तरफ के नैम नैग वगैरह है, ठीक है। ये हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स इनके बीच में, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स के बीच में। अब इनकी क्रॉस लिंकिंग होती है, वो जो क्रॉस लिंकिंग होती है वो कौन सा एंजाइम करवा रहा है, ट्रांसपेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है। अब होता क्या है, यहाँ पर जो हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो इस पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पर अटैक करते हैं, मतलब इसको वो इनहिबिट करते हैं, इसके साथ बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टिडेज कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम काम कर नहीं पाता है, तो ये बाइंड हो नहीं पाएगा, तो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे किसने इसको इनहिबिट किया, बीटा लैक्टम से इनहिबिट किया, जितने भी बीटा लैक्टम्स हैं सारे, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन्स वगैरह सब में, उसमें बार बार नहीं पढ़ेंगे मैं इन्फॉर्मेशन। तो बीटा लैक्टम्स ने इसको इनहिबिट किया, जिसकी वजह से सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हुई। ठीक है, अब सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हुई, बट सेल कैसे मर गया, ये क्वेश्चन है कि सेल मरा कैसे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया है। अब बस इतना याद रखना, जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया हाइपर एस्मोटिक होता है।
अब हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब क्या है, हमें पता है एक हमारा सेल है, अगर हमने देखा था ये, अगर सेल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो पानी जो होता है हमेशा पानी सॉल्ट की तरफ जाता है, तो ये जो पानी का फ्लो होगा वो यहाँ से अंदर की तरफ फ्लो होगा, तो पानी का इतना फ्लो हो जाएगा तो ये सेल फट जाएगा। जैसे हम आरबीसी को जब डालते हैं, हमने प्रैक्टिकल में किया था, ठीक है, बहुत पहले की बात है, आरबीसी को जब हम पानी में डालते हैं तो वो फट जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज़्यादा है, तो जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा सॉल्ट कम होगा, जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है, सॉरी, जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है वहाँ पर पानी जाएगा, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएगा, तो सेल फट जाएगा, सेल फट जाएगा। इस सेल को कौन बचा रहा था अभी? सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है तो जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उनको सेल वॉल बचाती है, ठीक है, तो इसलिए वो फटते नहीं है ड्यूरिंग, जब हम ये प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जब पानी उसके अंदर भरेगा तो वो फट जाएगा, जिसकी वजह से सेल लिसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी बैक्टीरिया की। इसकी वजह से सेल लिसिस हो जाती है, किसकी वजह से? जब सेल वॉल नहीं बनती है तो हाइपर ऑस्मोसिस की वजह से सेल फट जाता है, तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। कौन कॉज कर रहा है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया, बस इतना याद रखना कि सेल वॉल तो नहीं है लेकिन बैक्टीरिया मर क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज हाइपर ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर पानी भर रहा है जिस वजह से वो फट जा रहा है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है। तो जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है उसने बस इस पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पर हमला किया, ये जो प्रोटीन है ये ज़रूरी है उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस में, ठीक है, ट्रांस मतलब उसकी जो क्रॉस लिंकिंग है उसके लिए, ठीक है, तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से सेल लिसिस हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम पेंसिलिन में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे नेचुरल जो हमारे पास दो हैं, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी, ठीक है, सबसे पहले हमारा जो मेन स्ट्रक्चर वो सेम ही रहेगा, दैट इज बीटा लैक्टम रिंग, नाइट्रोजन चार मेंबर, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, ये होगा बीटा लैक्टम रिंग। दूसरी थायाजोरोटीन, थाया जो इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा होता है सी ओ ओ एच ग्रुप, और यहाँ पे हमारे दो सी एच थ्री ग्रुप, सेम यहाँ पर भी रहेगा और ये सब पे सेम रहने वाला, ठीक है, यहाँ पर बना रहा थोड़ा सा, दैट इज ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग, ये थायाजोलिडीन, बार बार बनाएंगे तो याद हो जाएगा, सी ओ ओ एच, दैट इज ये हमारे टू सी एच थ्री, इस तरफ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एन एच, एन एच के साथ डबल बॉन्ड ओ, आगे हमारा आर ग्रुप लगने वाला है जो सबका डिफरेंट होगा, और यहाँ पे हम सब में बल्कि ग्रुप ही लगाने वाले हैं एन एच, ठीक है, ये है हमारी पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी, ये दोनों नेचुरली हम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, पेनिसिलिन वी एंड पेनिसिलिन जी। अब जो पेनिसिलिन जी है इस पे हमारा बेंजाइल ग्रुप लगेगा, सिंपल, क्या लगेगा? बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? सी एच टू के बाद सीधा फिनाइल ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं बेंजीन, ठीक है, अगर इसी की जगह पे सी एच टू के बाद ओ लगाएंगे देन बेंजीन लगाएंगे तो बन जाएगा पेनिसिलिन वी, ठीक है, तो ये पेनिसिलिन वी का स्ट्रक्चर है, पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन डाल रहा हूँ। दोनों ही नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, नेचुरल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, क्या स्ट्रक्चर है? यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप है और यहाँ पे हमारा एनिसोल लगा लो, ठीक है, बेंजीन के साथ ओ सी एच टू। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक पेनिसिलिन, इसमें भी हमारे पांच छह स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, तो सिलेबस में है, बस सबका सिंपल ही है, सबसे पहले बीटा लैक्टम रिंग, थायाजोलिडीन रिंग, यहाँ पे सी ओ एच ग्रुप, यहाँ पे दो सी एच थ्री ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप, या पे एन एच के साथ डबल बॉन्ड ओ, देन हमारा आगे, अब हमारा जो मेन है ये स्ट्रक्चर एमोक्सिसिलिन एंड एम्फिसिलिन इम्पोर्टेंट है, अब एम एम मतलब अमाइड, ऑक्स मतलब ओ ग्रुप भी कुछ आएगा, ठीक है, और सर बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। अब इसको मैं याद कैसे रखूँगा?
जस्ट इसके बाद सी एच टू था, यहाँ पे भी सी एच टू आएगा। इस सी एच टू पे अम से आ जाएगा अमाइड है, तो यहाँ पे हमारा एक और एन एच टू ग्रुप है, उस एन एच टू के ग्रुप के साथ जुड़ा है हमारा बेंजीन रिंग। ठीक है, तो मैं दूसरे पेन से बना रहा हूँ, लेट इज इस सी एच टू पे, यहाँ पे हमारा सी एच, यहाँ पे जुड़ा है मेरा एन एच टू अमाइड ग्रुप, जिसके साथ जुड़ा है बेंजीन रिंग। सेम यहाँ पे भी जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्स, ऑक्स मतलब ओ, तो यहाँ पे मैं इसके पैरा पोजिशन पे ओ एक्स लगा दूंगा। बस सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आएगा, बस यहाँ पे ऑक्स नहीं है, एम्फिसलिन है, तो सिंपल यहाँ पे सी एच के साथ जो एन एच टू है उसके साथ सिंपल बेंजीन आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पे सी एच टू के साथ बेंजीन थी लेकिन एन एच टू ग्रुप नहीं था। ठीक है, जो पेनिसिलिन हमारा टू पेनिसिलिन वी है उसमें सिंपल ऐसे था सी एच टू के साथ बेंजीन। अब यहाँ पे एन एच टू ग्रुप लगाया तो एम्फिसिलिन बन गया और ऑक्स, तो यहाँ पे ओ एच बन गया। अब इसी के साथ हमारे जो हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स कंबाइन कर इनका यूज़ करते हैं, मतलब ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एम्फिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन जो हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, बस मैंने क्या कर दिया एन एच टू ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे बेंजीन के साथ ओ एच ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे एम्फिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा मैथिसिलिन। मैथिसिलिन क्या है, सेम यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग होगी, यहाँ पे थायाजोरिडीन रिंग होगी, यहाँ पे सी यू एच ग्रुप होगा, यहाँ पे सी एच थ्री होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे होगा हमारा एन एच, एन एच के साथ सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर हमारा मे, जो हमारा मैं याद करना है इस बार ही सिंपल, हमारा यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी होगी और नाम क्या है, मैथी, मैथी से लिए। तो मैथी से याद रखना मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मतलब ओ सी एच थ्री, तो यहाँ पे मैथी से याद रखना मिथॉक्सी, यहाँ पे इसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ओ सी एच थ्री ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथिसिलिन का स्ट्रक्चर, सेम है बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, वो याद करेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो ही जाएगा। एक लास्ट स्ट्रक्चर है, मतलब तीन है स्ट्रक्चर पर एक ही जैसे हैं, तो एक ही स्ट्रक्चर में कंप्लीट कर देंगे। क्या है ये, हमारा बीटा लैक्टम रिंग बिल्कुल जैसे होती है, ये हमारी थायाजोलिडीन रिंग, यहाँ पे सी ओ एच ग्रुप, यहाँ पे दो सी एच थ्री ग्रुप, एटलीस्ट इतना तो याद हो गया होगा, यहाँ पे एन एच, एन एच के साथ सी डबल बॉन्ड ओ, देन हमारा मेन ग्रुप। अब मेन ग्रुप में क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, ऑक्सा अजोल रिंग, ऑक्सा अजोलिडीन रिंग, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिंग है उसका ओ है यहाँ पे, देन एक नाइट्रोजन, फाइव मेंबर है बस, ये ज़्यादा नहीं। इस रिंग के बिल्कुल इसके टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ पे बेंजीन है। ठीक है, अब इस बेंजीन पे दो ग्रुप है, यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ मैंने मान लिया एक्स, मैंने मान लिया वाई। अगर एक्स और वाई दोनों एच हैं तो एक स्ट्रक्चर है, अगर एक्स एच है और वाई सी एल है तो एक स्ट्रक्चर है, और अगर एक्स और वाई दोनों सी एल है तो एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है। अब नाम क्या है, अगर ये दोनों हैं तो है ऑक्सैसिलिन। ऑक्सा क्यों, इसके वजह से जो ऑक्सैसिलिन है ना, ऑक्सैसिलिन। अब क्लोरीन आया तो सी एल डाल के क्लोक्सैसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट दो क्लोरीन है तो डाइक्लोक्सैसिलिन, डाई देन अगेन पूरा नाम, सिंपल है। जब यहाँ पे दोनों सी एल सी एल हो जाएंगे तो डाइक्लोक्सैक्सिलिन, एक इन दोनों में से एक सी एल होगा, ये भाई मैंने मान लिया सी एल है तो क्लोक्सैक्सिलिन, दोनों एच हैं सिर्फ सिंपल बेंजीन रिंग है तो ऑक्सैसिलिन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लास्ट सिंथेटिक पेंसिलिन। कौन कौन सी हमने पढ़ी, पहले हमने पढ़ी नेचुरल, इट इज पेंसिलिन बी एंड पेंसिलिन जी, और सिंथेटिक में पढ़ी हमने एमोक्सिसिलिन,
एम्फिसिलिन, मेथिसिलिन और ये तीन, ऑक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डिक्लोक्सासिन, ठीक है, सब में क्या है, ये सिमिलर है इतना पार्ट, बस डिफरेंट क्या है ये यहाँ से, तो ये बस इतना तो पूरा सिमिलर ही है, बस यही याद रखना है कि ऑक्साकोसोलिडीन रिंग है, उसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ी है, बेंजीन रिंग पे दो पोजीशन है, ठीक है। इस ये जो अंदर रोड डाला है ना, इसका मतलब ये है डबल बॉन्ड, ये ओ मत समझ लेना, ठीक है। लास्टली हम इसका मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलो या फिर बोलो केमिकल डिग्रेडेशन, जो इसकी हमारी मतलब अब इसको ख़त्म भी करना है, इस बॉडी से रिमूव भी करना है, या फिर मेटाबॉलिज्म में बोल रहा हूँ केमिकल डिग्रेडेशन। अब जो हमारा बीटा लैक्टम जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वही हम बनाएंगे, उसमें देखेंगे कैसे कैसे चेंज होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे, हमारा सल्फर यहाँ पे, हमारा COH ग्रुप यहाँ पे, हमारा CH3 ग्रुप, क्योंकि हमने देखा था ये सब ग्रुप हमारे जो है वो इसेंशियल है फॉर एक्टिविटी, तो अगर ये ग्रुप रिमूव हो जाएंगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उसको हम केमिकल डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। जब एक्टिव कंपाउंड जो है वो इनएक्टिव या फिर पार्शियल एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है अमाइडेज। अब यहाँ पर मैं मेन फोकस करूँगा कि कहाँ क्या एंजाइम काम कर रहा है, तो सबसे पहला है हमारा अमाइडेज, अमाइडेज अमाइडेज मतलब एस अमाइड, इस अमाइड पे वो काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप पूरा गायब हो जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एसिडिक पीएच में क्या काम करता है और बेसिक पीएच में काम क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्कलिन पीएच, अल्कलिन पीएच मतलब जब हमारा अल्कलाई होगा तो क्या होगा, हमारा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा बीटा लैक्टम रिंग का, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, सॉरी ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा अल्कलिन पीएच में, और यहाँ पे एसिडिक पीएच, जो हमारा एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा, ये वाला रिंग जो है वो घूम जाएगा इधर, एक एक करके पढ़ते हैं, और चौथा हमें पढ़ना है किसके थ्रू, CH2 CH3 OH, जब हम इसमें मेथनॉल डालते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जब हम ये डालते हैं पूरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रखूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बीटा लैक्टम, ठीक है। तो ये हमारा है पूरा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये जो उसके साथ NH2 ग्रुप था वो NH में कन्वर्ट हो गया NH2, याद रखने के लिए, ठीक है, मेरे लिए भी इजी है, लिखने के लिए आपके लिए भी। तो बस ये वाला ग्रुप जो है वो पूरा NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इसमें CH3OH डालता हूँ तो क्या होगा, ये CH3OH यहाँ पे हमला करेगा तो सी डबल बॉन्ड OCH3 बन जाएगा, ठीक है, और रिंग अलग हो जाएगी, तो बीटा लैक्टम रिंग टूट गई, तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ देन OCH3, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जैसा का ऐसा ही था एन, बस अब ओ सी एच सी इधर गया तो ये स्क्रैच बच गया, ये इधर आ जाएगा क्योंकि एन को भी अपना बॉन्ड पूरा करना है, क्या हो जाएगा NH, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे COH, यहाँ पे वही सेम NH। अब एसिडिक पीएच में क्या होता है, एसिडिक पीएच में भी हमारा ये बीटा लैक्टम रिंग जो है टूटती है और फिर ये वाला पोर्शन जो है इस तरफ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन उस तरफ आ जाएगा, यानी ये जैसे ये रिंग थी तो एन यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन इस तरफ, ये वाला रिंग घूम जाएगी, ठीक है, मतलब ये जब ये रिंग टूटेगी इस तरीके से तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे इस तरीके से घूमेगा और ये वाला पोर्शन इधर, ये इधर, मतलब यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड वाला पोर्शन, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन सारा इधर आ जाएगा, तो ये NH के साथ सी डबल बॉन्ड हो इधर और यहाँ पे R, तो यानी ये इसके साथ कंबाइन करके बॉन्ड बना देगा, मतलब ये N सी डबल बॉन्ड हो ये वाला और ये R, इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, बाकी पूरी रिंग सेम रहेगी, बस ऐसे याद रखना CH ग्रुप यहाँ पे है तो एक CH ग्रुप यहाँ पे भी लग जाएगा। एसिडिक पीएच में, बेसिक पीएच में क्या होगा, सिंपल ये रिंग ही टूट जाएगी, बीटा लैक्टम रिंग टूट जाएगी, ये वाला ग्रुप जो ये वाला ग्रुप टूटेगा तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे ये COH में कन्वर्ट हो गया, ये NH, आई एम सो सॉरी वो थोड़ा अलग जा रहा था, अल्कलिन पीएच वाला,
आगे देखते हैं, बस इतना याद रखना, अमाइडेज NH2, CH3OH, यहाँ पे CH3 बॉन्ड तोड़कर OCH3 बन जाएगा, वाचित यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। एसिडिक पीएच में H+ ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है वो CUH में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाकर, और ये वाला घूमकर इधर इसके साथ बॉन्ड बना देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे CUH ग्रुप ऊपर आ गया। अल्कलिन पीएच में क्या होता है, ये बीटा लैक्टम रिंग टूटती है, वो हम आगे देखते हैं। तो अल्कलिन पीएच में क्या होता है, सबसे पहले बीटा लैक्टम रिंग टूटेगी, तो ये हमारा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, तो हमारा होगा COOH, ठीक है, ये अलग है उससे, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। अब अगर हम इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवाएं, अगर हम इसकी CO2 यहाँ से रिमूव कर दें, तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप COOH वाला ग्रुप गायब हो जाएगा पूरा का पूरा, तो हमें मिल जाएगा CH3 जगह है ना NH, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा CH2, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2, ये CUH ग्राफ होगा क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, बाकी सेम का सेम रहेगा। तो इस तरीके से हमारी केमिकल डिग्रेडेशन हो जाती है पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स की, ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन की केमिकल डिग्रेडेशन इस तरीके से होती है। लास्ट पार्ट है इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का, स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब कौन सा कायरल कार्बन है कौन सा नहीं है, तो बस वही अमोनियम स्ट्रक्चर बना देना सिंपल, नाइट्रोजन है, ये हमारा थायाजाबिन है, ये हमारा COOH ग्रुप है, यहाँ पे हमारे CH3 है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है, क्योंकि अब सिलेबस में है तो देखना तो पड़ेगा। तो वो कार्बन जिसके ऊपर चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे दोनों सिमिलर है नहीं होगा, यहाँ पे ये और एक एच डिफरेंट है, और कहीं पे दिख रहा है कोई, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये भी है, और यहाँ पे ये कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी हम सबसे पहले नंबरिंग कैसे करते हैं, नॉर्मल कैसे कैसे करते हैं, 1 सल्फर से शुरू करो या नाइट्रोजन से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी कौन कौन सी पोजीशन कायरल है, 3 5 और 6, ये हमारे कायरल सेंटर्स हैं, ठीक है, ये होगा हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। और अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो वही लिख देंगे 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, तो हो जाएगा बीटा लैक्टम और थायाजाबिटिन, बस ऐसे नंबरिंग याद रखना कैसे नंबरिंग, अगर यहाँ से करेंगे नाइट्रोजन से तो 1 2 3 4 5 6 7, इनको 6 7 ही मिलेगी पोजीशन, ठीक है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। और थोड़ा सा लास्ट पार्ट इसमें हम देखते हैं यूजेस, तो यूजेस हमें पता ही है, एक्टिव एंटी बैक्टीरियल की तरह यूज़ होता है, जितनी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उन सब के लिए हम पेंसिलिन का यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। और लास्ट ADRs, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्योंकि अब हम इसको ले रहे हैं तो पेंसिलिन का क्या एडवर्स रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, तो इसमें हमें जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हमारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, वो देखने को मिलेगा, और हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, यानी रैशेज, एलर्जी वगैरह, अलग तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, और दूसरा है नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट था फार्माकोलॉजी का। हमें मेन क्या क्या यहाँ पे देखना था, स्टीरियोकेमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और SAR, और जब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आएगा तो तब इसमें ये जो R के बेसिस पे वो स्ट्रक्चर नीचे बना लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमारा काम आता है, उसमें पॉइंट्स लिखते जाना कि के ग्रुप ज़रूरी है, और R अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, और केमिकल डिग्रेडेशन, बस इसमें एक पार्ट बच गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड,
तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता है जो पेनिसिलिन है इसकी डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई थी फ्रॉम द फंगाई पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। और इसमें साइंटिस्ट का कुछ नाम है, ठीक है। तो ये इसका कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, सब याद करने वाला ही है। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट के नाम है लुइस पाश्चर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जेन एंड फ्लोरे, सलमन वैक्समन एंड पॉल एलरिच, पाँच नाम है। लुइस पाश्चर ने टर्म दिया था बैक्टीरिया, ठीक है, उन्होंने बैक्टीरिया टर्म सबसे पहले यूज़ किया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर कर दिया एक्सीडेंटली, स्टेफेलोकोकस को इनहिबिट कर रहा था। स्टेफेलोकोकस एक बैक्टीरिया है जिसकी ग्रोथ को पेनिसिलिन इनहिबिट कर रहा था। कौन से फंगाई से पेनिसिलिन मिलता है? पेनिसिलियम नोटेटम प्रोड्यूस करता है या फिर पेनिसिलिन क्रेसोजेनम, ठीक है, ये इसका सोर्स है जहाँ से मिलता है। उसके बाद ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मतलब उनकी गलती से डिस्कवर हो गया। फिर चेन एंड फ्लोरिन ने पेनिसिलिन को यूज़ किया। सेलमन और वैक्समन ने एंटीबायोटिक टर्म यूज़ किया, ठीक है, और पॉल एलरिच ने लास्ट में सेफिलिस का क्योर ढूंढा, ठीक है। तो पॉल एलरिच को ही फादर ऑफ मॉडर्न केमोथेरेपी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन के बारे में डिटेल में। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन्होंने दिया था इसलिए पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि हाई है हमारे सिलेबस में, ठीक है। थैंक यू।